कर के और बच्चों को छुड़ा रहे हैं और हमारे बच्चों को भी छुड़ा गया। कम से कम 6.5-7 महीने से हमारे बच्चे अंदर से बेल तो हो गई। शूटिंग की तकलीफ थी, इस शूटिंग की वजह से हम नासिर भाई के पास आए और वो नासिर भाई शूटिंग का इंतजाम करें और आइंदा अभी बच्चे अंदर हैं उनको भी तकलीफ पड़ गए उनको भी। हमारे वार्ड प्रेसिडेंट नासिर भाई जो ही वार्ड नंबर 31 के, उन्होंने बहुत जिद्दोजहद कर को हमने सपोर्ट कर को श्योरिटी का तकलीफ थी, बेलान तो हो गए थे, श्योरिटी का तकलीफ थी। हमारे नासिर भी जिद्दोजहद कर को श्योरिटी करा को ही हमारे 5 जिन्हें का रिलीज करा को ही उनका अल्लाह के बाद जितना भी शुक्रिया अदा करते नासिर भी आकर थी। इंशाल्लाह जो भी तकलीफ दूसरा को जो है नासिर भी से मिलो कुछ ना कुछ हेल्प हो जाती है और नासिर भी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत तकलीफ़ में थे 6 महीने जो गुजारे हमें बोल नहीं बता नहीं सकते। बेल के बाद भी हमने श्योरिटी का बहुत मसीले था। नासिर भाई जो इन सामने खड़को हमारी फैमिली के साथ हमारे पेरेंट्स के साथ खड़को सपोर्ट कर को 4 दिन से फिर को हमारा बेल का श्योरिटी करा को ही श्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया हमारे नासिर भी का। ये हमें उनके तरफ से नासिर खान बहुत तकलीफ़ पड़ गए और बच्चों को छुड़ा रहे हैं और हमारे बच्चों को भी छुड़ा गया। कम से कम 6.5-7 महीने से हमारे बच्चे अंदर से बेल तो हो गई। श्योरिटी की तकलीफ थी, इस श्योरिटी की वजह से हम नासिर भाई के पास आए और वो नासिर भाई श्योरिटी का इंतज़ाम करें और आइंदा अभी बच्चे अंदर हैं उनको भी तकलीफ पड़ के उनको भी श्योरिटी करा रहे हैं और वैसे बच्चे पैसा नहीं है जो तकलीफ़ में है वो आके नासिर भाई को बोले तो वो इंतज़ाम करेंगे श्योरिटी का। और आप सब मेहरबानी से ये नंबर पे आके उनको मिलो और उनका नंबर है 9980904538। यह नासिर भाई का नंबर है, इस नंबर पर आके मिलके बात करो और आपके बच्चों को श्योरिटी का इंतज़ाम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत ही बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें इस आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर सारी इंसानियत पर काम करने की तौफीक अता फरमाई है कि हम बहुत ही खुश नसीब हैं जो आज इंसानियत पर पूरे भारत के अंदर आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराया जा रहा है। तो इसी निस्बत से आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़ियादत पर और यहाँ पर जो है बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे जनाब नासिर साहब ने आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज 5 बच्चों को जो है रिहाई का इंतज़ाम किया है और रिहाई भी अल्हम्दुलिल्लाह बाहर आ चुके हैं। तो ये कितने लोग? जी ये कितने लोग? हाँ 5 बच्चे हैं इंशाल्लाह। फिर कल परसों में फिर और आप भी आने वाले हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है पुलकेशी नगर के अंदर जितने भी MIM के वार्ड्स हैं हर वार्ड से जो है हम यहाँ पर जो है रिहाई का इंतज़ाम किया जा रहा है। हाँ यही पुलकेशी नगर के अंदर वार्ड्स कोई जो आदमी जो वार्ड का है उस वार्ड प्रेसिडेंट से जो है मुलाकात करके हम नंबरात यहाँ पर दे रहे हैं उनसे मुलाकात करके जो है जो भी हालात अभी श्योरिटी का जो है बहुत ही परेशानी हो रही है तो उस हिसाब से जो है श्योरिटी के लिए मजलिस जो है आगे बढ़कर जो है काम कर रहे हैं। कुछ पार्टी की जानिब से भरना पड़ेगा या लोगों को भरना पड़ेगा? कोई भी 1 रुपया भी जो है कोई देने की ज़रूरत नहीं है। सारा जो है इंतज़ाम जो है मजलिस कर रही है, MIM से हो रहा है, किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़ियादत पे अल्हम्दुलिल्लाह आज है ना 5 बच्चों का जो मासूम बच्चे जो इस केसों में जो फंसे थे और इन जिन लोगों की बेल हुई थी उनको आज हमारी पार्टी के तरफ से और यहाँ के कुशाल नगर के वार्ड प्रेसिडेंट नासिर साहब की तरफ से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने श्योरिटी का इंतज़ाम करके उनकी रिहाई का इंतज़ाम किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे आज आ चुके हैं और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी और कई सारे बच्चों के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से हम काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह उनकी भी रिहाई के लिए इंशाअल्लाह हम श्योरिटी दे के इंशाअल्लाह उनको भी रिहा करवाएंगे आने वाले दिनों में।
और हर वार्ड ऑफिस में हमारा एक काम चल रहा है, और जो लोग को भी जिन लोग का भी ऐसा होके है, बेल होके है और उनको श्योरिटी की तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि अमूमन बहुत सारे लोगों का बेल हो चुका है और काफ़ी सारे लोगों का बेल हुआ नहीं है, तो वो भी हमसे रब्ता करें जिनका बेल नहीं हुआ है और जिनका बेल हो चुका है और श्योरिटी के लिए परेशान है, और उनके लिए श्योरिटी का भी इंतज़ाम इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। देखिए, हमारा जो मकसद है मुस्तहिद लोगों को, जो जिनकी हालत नहीं है श्योरिटी इंतज़ाम करने की, उन लोग के वास्ते ज़रूरतमंदों के लिए काम करने के लिए हम लोगों ने ये मुहिम की है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जितने भी मुस्तहिद, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, जितने भी मुस्तहिद लोग होंगे इंशाल्लाह उनकी हम जो भी उनकी ज़रूरत है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको पूरा करने की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमें 5 बच्चों को छोड़ा है हमें जेल से, इंशाल्लाह इसके बाद रोज़ से 4-5 हमारा से कितना होता, हमारी ताकत कितनी बनती है उतने बच्चों का हमें रोज़ छुड़ाने की कोशिश करती है इंशाल्लाह। नहीं लिमिट तय नहीं, जिसकी जिसकी बेल होती है उसे छुड़ाती है हमें। अब 195 में जो छोड़को थे उनको रिलीज कर लगा रही है हमें, 229 में छोड़को ही उनको रिलीज कर लगा रही है। अब 237 की बेलों को नहीं है, 236 की बेलों को नहीं है, 238 की बेलों को नहीं है, ऐसे वो बेला एक 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 बेला होने का रही उनके, जैसा जैसा उनकी बेला होती है हमें उनकी छुट्टियों को हमें हमारी तरफ से हमारी पार्टी की तरफ से हमें छुट्टी देखो मामला लगा था। 5 जने को छोड़ा है आज, इस पहली बार 5 जने को छोड़ा है सो हमें, आज पहली बार 5 जने को छोड़ा है सो हमें। समा एक 4 जने को छोड़ा थी, और परसों एक हफ्ते के दिन एक 4 जनाक छोड़ा थी, पीर के दिन एक 8-10 जनाक छोड़ा थी हमें। अब इन लोगों को छुड़ाने के लिए श्योरिटी पूछ रहे थे, आप श्योरिटी कैसे हैं? श्योरिटी मैं दिया, मेरी ओन प्रॉपर्टी की श्योरिटी दिया इंशाल्लाह। अब हमारी बीबी के नाम पे प्रॉपर्टी है, हमारे दामाद के नाम पर है, हमारे बच्चा के नाम पर है, हमारे रिश्तेदार के नाम पर प्रॉपर्टी आई, सबको ले लग जाओ। मैं कहते थे बच्चे होती है एक श्योरिटी में 5 बच्चे छुट रही, 4 छुट रही, 3 छुट रही, 2 छुट रही, एक एक बच्चे को 2-2 श्योरिटियाँ देना पड़ता है, 3-3 श्योरिटियाँ देना पड़ता है, वो पूरा इंशाल्लाह जितना हमारा हाथ से होता था हमें करती। मेरा नाम नसरीन ताज है, 31 वार्ड से, कुशाल नगर वार्ड से मैं ही, मेरा पोस्ट है वार्ड कुशाल वुमेन्स से प्रेजिडेंट हूँ यहाँ के। बहुत कुछ मैं पहले तो सोशल वर्कर्स थे, अब पार्टी से हमें एक नाम मिला है, उसी पार्टी की वजह से हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह, और बहुत कुछ काम करने चाह रहे हैं, करेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। फिर वक्त जो है, अब जो बात हम करने चाह रहे हैं वो बात जो है, इस अब यहाँ पे दंगे फसाद हुए थे, उसी दंगे फसाद में कुछ मज़लूम बच्चों को यहाँ से पकड़ के लेके गए थे, कोई काम से आ रहा था, कोई घर से उठा के लेके गए, कहीं बैठा हुआ था यहाँ से ऐसे लेके गए, लेकिन वो बच्चे तो उसमें नहीं शामिल थे, बेकसूर बच्चे थे, बेकसूर बच्चों को हम लोग बेल दे के उनको रिहाई कर रहे हैं। फिर वक्त आज 5 बच्चों को रिलीज़ करें, कल 4 बच्चों को रिलीज़ करेंगे इंशाल्लाह, और भी बहुत से बच्चे आने वाले हैं, उन सब बच्चों को हम कोशिश कर रहे हैं बेल देने की और छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, हम बच्चों को मदद करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।